ये सब कुछ कहां से आया था? ये शायद सबसे बड़ा मिस्ट्री है जिस आंसर को ढूंढने के लिए साइंस कई दशकों से काम कर रहा है। क्वेश्चन ये था कि ये यूनिवर्स आया कैसे? दुनिया के कई सारे क्यूरियस माइंड्स ने ये खोजने के लिए कोशिश किया कि वो क्या चीज है जिसके लिए यूनिवर्स अभी भी चल रहा है और उसमें मौजूद स्टार्स और गैलेक्सीज। सालों से साइंटिस्ट ने बहुत सारे थ्योरीज को बनाया कि वो क्या है जो मैटर और एनर्जी के सभी फॉर्म्स को कंट्रोल करता है और उसे वैसा बनाता है जैसे कि वो बिहेव करता है। ये सभी क्वेश्चंस साइंटिस्टों के लिए एक मेजर इशू बन गया था और इसीलिए साइंटिस्टों ने जितने भी सारे थ्योरीज अवेलेबल थे उन सबको मिलाकर तैयार कर दिया थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। और उन सब में एक रिक्वायरमेंट को अकॉम्प्लिश किया जाना जरूरी था इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए, वो था गॉड पार्टिकल को बनाना। और अगर आपने नेटफ्लिक्स का डार्क वेब सीरीज को देखा है और गॉड पार्टिकल के बारे में ठीक से पता नहीं है तो ये एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिए। तो मैं हूं देवाशीष, चलिए जान लेते हैं। नाइनटीन्थ सेंचुरी के सेकेंड हाफ में फिजिसिस्ट ने पार्टिकल फिजिक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए एक मॉडल को बनाया जिसको कहा गया स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। ये स्टैंडर्ड मॉडल एक डिसेंट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है मैटर के सभी फॉर्म्स और एनर्जी के बारे में जो कि हमारे इस यूनिवर्स में मौजूद है और पर्टिकुलरली फंडामेंटल पार्टिकल्स और एलिमेंट्री फोर्स के इंटरैक्शन के बारे में। स्टैंडर्ड मॉडल के मुताबिक दो तरह के फंडामेंटल पार्टिकल मौजूद हैं। एक है फर्मियॉन्स जो बताता है कि वो मैटर किससे बनता है और दूसरा है बोसॉन्स जो कि फोर्स को कैरी करता है। इन सब पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कुछ प्रॉपर्टीज से और स्पेसिफिकली मास। और मिस्ट्री ये था कि इन सब पार्टिकल्स के मास को कैसे मेजर किया जाए। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह था कि इन सब पार्टिकल्स को आखिर मास कहां से मिलता है। तो यही पर आता है हिग्स फील्ड। स्टैंडर्ड मॉडल के मुताबिक हिग्स फील्ड को हाइपोथेटिकल फोर्स फील्ड भी कहा जाता है जिसे देखा तो नहीं जा सकता लेकिन वो पूरे यूनिवर्स में हर जगह पर एग्जिस्ट करता है। ये वो फील्ड है जो कि क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स के जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स को मास प्रोवाइड करता है। अगर एक पार्टिकल हिग्स फील्ड से होकर निकलता है तो वो पार्टिकल उतना ही ज्यादा मास गेन करता है। लेकिन क्या होता अगर ये हिग्स फील्ड ना होता? तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। नो ह्यूमंस, नो अर्थ, नो स्टार्स और नॉट इवन गैलेक्सीज, कुछ नहीं होता। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये हिग्स फील्ड एक्चुअली एग्जिस्ट करता है या नहीं? बहुत फिजिसिस्ट के मुताबिक एक ऑब्जेक्ट था जो कि इस पजल के मिसिंग पार्ट को सॉल्व कर सकता था, वो है द गॉड पार्टिकल। एक ऐसा फोर्स पार्टिकल जो इस हिग्स फील्ड को समझने में मदद कर सकता था। तो ये गॉड पार्टिकल आखिर है क्या? 1960 में पीटर हिग्स ने पहली बार दुनिया के सामने गॉड पार्टिकल या आप कह सकते हैं हिग्स बोसॉन के एक थ्योरी के बारे में दुनिया को बताया। पीटर हिग्स ने बताया कि ऐसा एक फील्ड है जो कि पूरे यूनिवर्स पर इनफाइनाइटली फैला हुआ है, लेकिन ये अभी तक थ्योरी में था। चलिए इसे थोड़ा सिंपली समझते हैं। आप पूरे यूनिवर्स को साइबेरिया के एक स्नो फील्ड समझ लीजिए और इसी को कहा जाएगा हिग्स स्नो फील्ड जो कि पूरे यूनिवर्स पर फैला हुआ है। अब अगर आप पहाड़ के ऊपर से नीचे तक स्की करके जाएंगे तो आप बहुत ही तेज रफ्तार से क्रॉस कर जाएंगे।
यहाँ पे आप वो पार्टिकल है जिसके पास कोई मास नहीं है, यानी उस पार्टिकल का स्पीड लाइट के स्पीड के इक्वल है। अब सोचिए कि आप एक स्नो बूट पहनकर इस बर्फ के ऊपर चल रहे हैं, तो आप इस बर्फ में ज्यादा तेजी से नहीं चल पाएंगे, बल्कि आप इसमें धस जाएंगे, यानी आप हिग्स स्नो फील्ड पे मास गेन कर चुके हो, और जिसके वजह से आपने मास गेन किया है वो है छोटे छोटे स्नोफ्लेक्स, और इसी छोटे छोटे स्नोफ्लेक्स को आप बोसॉन समझ लीजिए, और ये बोसॉन्स के लिए ही एक पार्टिकल मास गेन करता है। इसका मतलब ये था कि अगर हिग्स फील्ड के एग्जिस्टेंस को प्रूफ करना था तो हिग्स बोसॉन को रिवील करना बहुत जरूरी था, और फिजिसिस्ट के मुताबिक हिग्स बोसॉन को कोई मैन मेड मशीन से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए फिजिसिस्ट ने कहा कि अगर गॉड पार्टिकल को डिटेक्ट कर लिया जाए तो हिग्स बोसॉन को प्रूफ किया जा सकता है। तो इसी मिशन को अकॉम्प्लिश करने के लिए यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च या सर्न ने $10 बिलियन खर्च करने के बाद लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर को बनाया। ये एक 17 माइल का एक ओवल टनल स्ट्रक्चर था। ये टनल 9000 सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट से बना हुआ है। ये मैग्नेट्स टनल में चल रहे फोटॉन्स को और भी ज्यादा एक्सेलरेट करता है, और ये स्पीड करीब लाइट के स्पीड के इक्वल है। एक्सपेरिमेंट के वक्त फोटोन का स्पीड होता है करीब 11,000 किलोमीटर पर सेकंड, और इस समय बहुत सारे फोटॉन्स कोलाइड कर रहे होते हैं, और इसे सिर्फ पलक झपकने के जैसा ही टाइम लगता है, और इन सब कोलिजन्स का जो रिजल्ट निकलता है वो सब हाईटेक कंप्यूटर्स में जाके रिकॉर्ड होता है। यही सब पार्टिकल्स के कोलिजन्स का रिजल्ट्स बहुत ही मिनिमल होता है, और साइंटिस्ट यही बहुत बारीकी से देखते हैं, क्योंकि अगर गॉड पार्टिकल बना तो वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में दूसरे किसी मैटर पे कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद 2011 में साइंटिस्ट ने आखिर हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल को पहली बार पाया, और 2012 में सर्न के डायरेक्टर ने वर्ल्ड के सामने ये अनाउंस्ड कर दिया, और उसके बाद 2013 में पीटर हिग्स को ऑनररी नोबल प्राइज से सम्मानित किया गया, क्योंकि उनके वजह से ही वर्ल्ड आज इस थ्योरी को जान पाया। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, अभी भी साइंटिस्ट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। शायद हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल के वजह से ही हम यूनिवर्स, बिग बैंग और यहाँ तक कि मल्टीवर्स के बारे में भी जान पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं साइंस के किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, साइंस स्कोप के साथ।